लेकिन जाबिर बाबू पान वाले साहब तो बिस्मिल्लाह सौ से किए, उसके बाद नहीं भैया दाढ़ी वाले साहब प्लीज रुको रुको जरा चाचा रुको एक मिनट रुको बेटा, भैया का नाम क्या है जरा बोलिएगा प्लीज, उनका नाम जाबिर बाबू और एक बार उनके तरफ से सुनिएगा कि अजमेर में आते ही मस्तों की तलब बढ़ जाती है, अजमेर में आते ही मस्तों की तलब बढ़ जाती है, ख्वाजा के दर पे इतना मिलता है कि झोली छोटी पड़ जाती है, और ख्वाजा देते हैं हम गरीबों का काम चलता है, या ख्वाजा आपके टुकड़ों पर हमारा खानदान पलता है, और लोगों को चार दिन की जवानी बेनाज है, हमको तो या ख्वाजा तुम्हारी गुलामी बेनाज है। Oh,
से हिंदुस्तान में रहने वालों को इस्लाम, इस्लाम मिला ख्वाजा से और ख्वाजा के दम से तारीसे ईमान हो गई, भारत की सरजमीन मुसलमान हो गई। हैदर का लाडला है वो जहरा का लाल है, हैदर का लाडला है वो जहरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। पहले बिस्मिल्लाह एक तो कर दो फिर बाद में सबको। हो सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा भी बहुत लोग हैं, प्लीज किनके लिए आए हैं जरा गौर कीजिएगा कि ना दोस्तों के ना रकीबों के वास्ते आया, वो उजड़े डूबे
देखो, जमीने हिंदुस्तान पे संजर को छोड़ कर देखो, मेरा मुईन गरीबों के वास्ते आया। सच्ची हुकूमत को 800 साल हो गए हैं और झूठी हुकूमत को हर 5 साल का खतरा रहता है कि आने वाले इलेक्शन में मेरी सीट रहेगी, मेरा सरकार रहेगा कि नहीं रहेगा। कि झूठी हुकूमत है इन्हें 5 साल का खतरा है, सच्ची हुकूमत को 800 साल हो गए हैं लेकिन हुकूमत में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए मेरा बोलना क्या है सुनिएगा, कहीं औलाद दिलाना, कहीं बिगड़ी को बनाना, कहीं औलाद दिलाना, कहीं बिगड़ी को बनाना, कहीं औलाद दिलाना, कहीं
मांगने वाले को वो औकात से ज्यादा देते हैं, बल्कि बंदों को मौला से मिला देते हैं। इसलिए हम भी यही दिल से सदा देते हैं। सैलानी बाबा के दीवाने बाबा सैलानी के दीवानों के सामने आए हैं, तो दीवाने सबसे पहले कौम से बाबा सरकार सैलानी के चाहने वाले बाबा सैलानी के नाम पर 101 कौन भेजेंगे देखना चाहूंगा। सहनाज एक बार आप बोलिए।